प्रिय मित्रों, आज श्रावण मास के तृतीय दिवस पर भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती की कृपा दृष्टि आप लोगों पर बरसती रहे। आज श्रावण मास की शिव महापुराण की अध्याय 3 की कथा प्रारंभ होने जा रही है। यह पवित्र पावन मास सर्वार्थ सिद्धि एवं द्विपुष्कर योग के साथ शुरू होता है। भगवान महादेव की स्तुति करते हैं। हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, सदाशिव पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, जटा बीच में गंगा नाचे, जटा बीच में गंगा नाचे, नाचे भुजग भुजंगा, नाचे भुजग भुजंगा, जटा बीच में गंगा नाचे, नाचे भुजग भुजंगा। इस प्रकार से अध्याय 3 की कथा है कि ब्राह्मण के द्वारा चंचुला ने वैराग्य धारण कर शिव महापुराण कथा का श्रवण किया एवं शरीर छोड़ने के पश्चात शिवलोक में जाकर पार्वती जी की सखी बनी। तो किस प्रकार से ब्राह्मण ने चंचुला को भगवान भोलेनाथ की शिव महापुराण की जो है कृपा कैसे बरसाई है। ब्राह्मण कहते हैं, हे नारी, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्ययुक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है, अर्थात तुम सावधान हो गई हो। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ, शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूँगा जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त हो। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है, साथ ही तुम्हारे मन में विषय के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधिपूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्रायः उत्तम गति नहीं प्राप्त होती। परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस शिव महापुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती है। जैसे दर्पण साफ करने पर मन निर्मल हो जैसे दर्पण साफ करने पर दर्पण निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव महापुराण की कथा सुनने से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मनुष्यों के चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं, इससे वह शुद्ध आत्मा पुरुष श्री सांब सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है, अथा यथोचित शास्त्रोक्त मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह भगवत संबंधी भवबंधन संबंधी संबंध रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निधिध्यासन करना चाहिए, इससे पूर्णतया चित्त शुद्ध हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। जो मुक्ति से वंचित है
उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। हे ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान भोलेनाथ की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणान बिंदों का चिंतन करते हैं, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। सूत जी कहते हैं, हे शौनक, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द हो गया तथा वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। इसके बाद बिंदु की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण को दोनों हाथ जोड़कर उनको निवेदन किया, मैं कृतार्थ हो गई हूँ। इसके पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री, वह चंचुला जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी से बोलती है। चंचुला कहती है कि हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन, आप धन हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। हे साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस समुद्र शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया है, उसी इस शिव पुराण के सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूत जी कहते हैं कि ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनसे निवेदन कर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो वहीं रहने लगी। इसके बाद शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्धि बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देवता ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी, जो कथा भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई एवं धन्य हो गई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह चित्त शीघ्र ही शुद्ध होकर फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान सदा शिव के में अपनी बुद्धि को लगाने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंद स्वरूप का बारंबार चिंतन होने पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही भगवान भोलेनाथ के शिव के भेजे हुए एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे शीघ्र ही शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे। वह दिव्य रूप को धारण करने वाली दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी भगवान भोलेनाथ को देखा। सभी मुख्य मुख्य देवता उनकी सेवा में लगे हुए थे। गणेश जी, भृंगी जी, नंदीश्वर जी, वीरभद्रेश्वर आज उनकी सेवा में उत्तम भक्तिभाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। पांच मुख और प्रत्येक मुख में तीन तीन नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने